सो गाइस, बेस्ट प्लेसेस हैं जो वो अगर रेलवे स्टेशन के पास में लेते हैं, बस स्टैंड के पास में लेते हैं, या लक्कड़ बाज़ार के पास में लेते हैं, या मॉल रोड के पास में, तो बेस्ट ही है क्योंकि सब जगह मॉल रोड के पास पड़ती हैं। या लिफ्ट शिमला में एक पॉपुलर, तो उसके पास में लेते हैं, तो बेस्ट प्लेसेस हैं। आगे से कहीं सेल्फी स्टिक मिले ना, वो लेनी है। हाँ, कहीं दिखे ना, पक्का याद रखना, लेनी है कहीं से भी मिले। हेलो गाइस, शिमला आ चुके हैं। सैटरडे है, टाइम अभी जो हो रहा है 11 AM। हमने रूम बुक कर लिया है, एक टूर कराते हैं रूम का आपको। टेम्परेचर बहुत अच्छा है यहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है, 14 डिग्री सेल्सियस। वेदर तो एज यूजुअल मौसम ही रहता है। ये देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है। स्पेशियस रूम है, काफी बड़ा रूम है। टीवी कौन देख रहा है यहाँ पे, टीवी जैसे लगा रखा है। ये देखिए, ये भी हमारे साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन सही में व्यू बहुत मस्त है। क्या मस्त हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन धूप यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, धूप से बिल्कुल अच्छा लगता है। तो 2 दिन का हमारा मस्त टूर होने वाला है ये। सो गाइस, बेस्ट प्लेसेस हैं जो वो अगर रेलवे स्टेशन के पास में लेते हैं, बस स्टैंड के पास में लेते हैं, या लक्कड़ बाज़ार के पास में लेते हैं, या मॉल रोड के पास में, तो बेस्ट ही है क्योंकि सब जगह मॉल रोड के पास पड़ती हैं। या लिफ्ट शिमला में एक पॉपुलर, तो उसके पास में लेते हैं, तो बेस्ट प्लेसेस हैं। तो अभी के बज गए हैं 3 और हम सो उठे हैं अभी, ना रो के फिर चलते हैं घूमने। अच्छा लग रहा है ये कलर, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है, चलो 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 फिर चलो, लेट्स गो। सो गाइस, होटल बुक करने से पहले या तो आप ऑनलाइन बुक कर लो, और ऑनलाइन में ये ध्यान रखना कि जो मॉल रोड के पास में ही होटल हो, क्योंकि मॉल रोड ही मेन अट्रैक्शन है शिमला का। सो लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही होटल होना, वो तो ज़्यादा बेटर है। और होटल बुक करने से पहले एक ट्रैप ट्रैप से बचना कि ये बोलते हैं कि कुफरी का पैकेज भी दे देते हैं आपको, तो ये क्या है, रूम प्राइस तो कम प्राइस कर देंगे, लेकिन कुफरी के पैकेज का प्राइस है वो ज़्यादा ले लेंगे, तो इससे भी थोड़ा बच के रहना। बाहर बहुत सी टैक्सीज मिल जाती हैं, इजिली रिजनेबल रेट्स में मिल जाती हैं। हाँ, विंडोज़ बंद है। बंदर, अरे बंदर आ भी गया था, मास्क का बहुत है। अभी इसने बोला है कि यहाँ पे ना मास्क हमेशा लगा के रखो, और नाक के नीचे भी नहीं होना चाहिए। कहते कैमरे लगे, कैमरे से देख लेते हैं वो। तो दोबारा नीचे हो गया, यहाँ पे चलान है अगर मास्क नहीं होगा। पूरा प्रिकॉशंस के साथ में आ रहे हैं यहाँ पे विजिटर्स हैं। बादल की लेयर छा गई है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, और मस्त हो रहा है। वॉमिट टाइप लग रहा है, तो इसके लिए नींबू लेने के लिए आए हैं, पर नींबू कहीं मिल नहीं रहे। ये नींबू कहाँ से मिलेगा? नींबू हाँ यहाँ पर। सही लग रहा है ये। रात को क्या क्या मिलता है खाने में? अभी कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कोई स्नैक में कुछ भी नहीं। रात में सब मिल जाएगा ये।
यहाँ पे वैसे कब तक ओपन है मार्केट वगैरह सब मॉल वगैरह? मार्केट तो 11 बजे खुलेगा, 11-12 बजे। कोई रूल तो नहीं है ना कि 8 बजे बंद हो जाएगा? कोई रूल नहीं है। सो गाइज, अगर आप होटल से पैकेज लेते हो कुफरी घूमने के लिए, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कुफरी में 10-12 पॉइंट से घुमाएंगे टैक्सी में। बट वो पॉइंट ये है कि अगर वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है तो बेनिफिट है, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको वो मतलब जो पैकेज आपको बताएंगे उसमें वो चीज़ हिडन करके रखेंगे कि वहाँ पे हॉर्स राइडिंग से पहले आपको टॉप पे जाना पड़ता है, वहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं जो घूमने वाले हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना पसंद नहीं करते हो तो वो पैकेज लेने में आपको फिर ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे घूमने के लिए सिर्फ जू एंड थोड़ा बहुत व्यूज हैं बहुत अच्छे अच्छे उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ऑसम वेदर हो चुका है, कोई बारिश नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, बहुत परफेक्ट वेदर है आने के लिए। तुम चलती रहो ना। पीछे पीछे आने लग गया अब तो ये। नहीं बस रुक गया। हमने टोमेटो सूप लिया, बिकॉज मेरे मुझे वॉमिट आ गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सूप लिया। इसके बाद हम कुछ और भी खाएंगे, तो अभी सूप इंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। टोमेटो सूप लिया तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। चाइनीज रेस्टोरेंट में आए हैं, चाइनीज कॉन्टिनेंटल, काफ़ी यूनिक आइटम्स हैं यहाँ पे और काफ़ी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली अभी कुछ बन नहीं पा रहा था, शाम के 5-6 बज रहे हैं और मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, तो ये था कि अभी कुछ हल्का फुल्का खा के रात को अच्छे प्रॉपर डिनर करेंगे, इसलिए अभी ये डिसाइड किया चलो अभी बर्गर खा लेते हैं और चाय पी लेंगे साथ में, रात में खाएंगे अच्छे से डिनर। मॉल रोड घूमना भी कैसा है बर्गर खाने में? वेज बर्गर यम्मी। मैं टेस्ट ले लेती बट मैं क्रीम वाला वेज बर्गर खाती नहीं हूँ, विदाउट क्रीम होता तो मैं टेस्ट कर लेती, दूसरा मैं कुछ और मंगा देती हूँ। सो गाइज, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट द वीडियो, एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।